अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको ले चलेंगे लखनऊ के बहुत ही फेमस बाज़ार में, मंगल बाज़ार। तो ये आलमबाग के साइड में लगता है और बहुत ही बड़ी सी जगह में लगता है। तो यहाँ पे देखिए खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, पकौड़ी, फ्रेंच फ्राइज और जगह जगह पानी के बताशे। और यहाँ पे देखिए हर तरह की वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं, सूट के कपड़े मिलते हैं, तिले हुए सूट, पर्दे, और अगर आपको दुपट्टे में बेल वगैरह लगानी हो तो वो सब मिलती है। और देखिए यहाँ पे मीटर से जो कपड़ा मिलता है थान वाला वो भी मिलता है, और एक से बढ़ के एक कुर्ती और कुर्ती सेट, चिकन की कुर्तियाँ वगैरह यहाँ पे मिलती हैं। ये देखिए आप वैरायटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक भी काफ़ी वैरायटी और रेंज मिलती है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी कुर्तीज़ हैं, उनके कलर सभी के बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। और ये बाज़ार जो है काफ़ी बड़े एरिया में भी लगती है। तो देखिए मेकअप का भी कितना सामान बड़ी रेंज में है, और इस तरह से देखिए। और काफ़ी ये सस्ती बाज़ार भी होती है। तो यहाँ की आप भीड़ चेक करिए किस कदर यहाँ पे भीड़ रहती है। और यहाँ पे फुटपाथ पे भी लोग लगाए रहते हैं, और कुछ कुछ अपना जो फर्नीचर होता है वो रख लेते हैं, लाइक ये तख्त वगैरह, तो उस पर दुकानें लगाते हैं। और ये देखिए सिलाई का कितना ढेर सा मटेरियल यहाँ पे है। अगेन यहाँ पे कुर्तियाँ देखिए, और फ्रॉक स्टाइल में कुर्ती होती है, चिकन स्टाइल में, और साथ ही साथ प्लाजो, लेगिन, और ये चूड़ियाँ। और ये देखिए सूट पीस का कपड़ा कितना अच्छा अच्छा सा है। और यहाँ पे क्रॉकरी भी मिलती है, और यहाँ पे जीन्स वगैरह मिलता है। तो अगर आपको भी चीप एंड बेस्ट सामान चाहिए कपड़ों से रिलेटेड या घर से रिलेटेड, तो आप ज़रूर से मंगल बाज़ार में विज़िट करिए। ये मंगल वाले दिन लगती है, पिकेडली से ये लगना स्टार्ट होती है, तो ये पूरा आलमबाग तक जाती है, अवध बस स्टैंड की तरफ। तो इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा रहता है। देखिए चिकन की कुर्ती आप देख सकते हो, और जीन्स मटेरियल भी यहाँ पर रहता है, और एक से बढ़ के एक ये देखिए कुर्तियाँ और कलर, इनके डिज़ाइन, ये शिफॉन की कुर्तियाँ हैं, और इनकी रेंज 500 से लेके 800 तक रहती है। और 200-250 में भी आपको बहुत अच्छी सी कुर्तियाँ, देखिए सोफ़ा कवर, बेडशीट वगैरह। और ये देखिए छोटे बच्चों का कपड़ा आ गया, ये देखिए सिले हुए ब्लाउज़ की रेंज आप देख सकते हैं, और बच्चों के फैंसी कपड़े देख सकते हैं जो 1 साल से लेके। और ये देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर देखिए, तो यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। देखिए बैंगल्स देखिए, छोटे बच्चों के कपड़े हैं, और पिलो कवर, और साथ ही साथ यहाँ पे फलों के, सब्जियों के ठेले भी लगे रहते हैं, कि आप कपड़ों की शॉपिंग के साथ घर से रिलेटेड कोई भी खाने पीने की चीज़ भी यहाँ पर अच्छे से परचेज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो यंगस्टर हैं वो भी बहुत आते हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, तो उनको अपनी चॉइस के बहुत अच्छे रीज़नेबल और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। और देखिए जगह जगह पे ये सारे चीज़ें लगी हुई हैं। तो आज हमने चलते चलते मंगल बाज़ार का बहुत बड़ा सा एरिया कवर किया, और अब आ गए थे यहाँ बर्तनों की शॉप पे,
तो अब मैं लौट आई थी घर, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है। ये टिफ़िन लिया था और ये कुछ बर्तन मैंने बस लिए थे, दादे हम लोग ने कुछ ख़रीदा नहीं था। और ये एक दस्तखान लिया था और ये दो दुपट्टे लिए हुए थे। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं नेक्स्ट जगह की शॉपिंग, जो कि अमीनाबाद गणेशगंज की है, गुलाटी पीपर वाले। तो मुझे कुछ सूट लेने थे देने के लिए, तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस कलर और डिज़ाइन के सूट लिए हैं। तो ये कुछ मैंने सूट लिए हैं, मुझे गिफ्ट करने रहते हैं, मतलब लोगों को देने रहते हैं। तो देखिए ये सारे कलर और डिज़ाइन हैं। तो आपको कौन सा सूट सबसे अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और आपको मंगल बाज़ार वाली वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए सारे सूट को हमने अलग अलग पॉलीथिन में मैंने ऐसे कर लिया था। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।